नगर निगम कार्यकारी समिति की नवीं बैठक शनिवार को 11 बजे स्वर्गीय राम गणेश त्रिपाठी अतिथि गृह के सभागार में महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नगर निगम कार्यकारी समिति की बैठक महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में विभिन्न वार्डों के पार्षदगण एवं प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में हुई, जहाँ पर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा और नए कार्य योजनाओं की रूपरेखा को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा सहित नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के उपसभापति सहित पार्षदगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, नगर आयुक्त साहब का इसमें है कि इस संबंध में गोरखपुर कंपनी ने नोटिस जारी किया गया है। विशाल प्रोडक्शन कंपनी को 70,35,000 इसके उत्तर में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। समय मांगा एक साल पहले, बार भी समय मांगे थे, तो जल्दी ही वहां से भी मार्गदर्शन प्राप्त करके जो कार्रवाई करनी है, वहां भी कार्रवाई लंबित है, वहां से रुक जा रहा है। आपकी बात सही है कि आज कार्यकारिणी की बैठक थी, फिर अगली कार्रवाई हम ये मांग लिया जाए कि अगली बार ये कार्रवाई तब होगी जब कार्यकारिणी की बैठक होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी महापौर जी, क्योंकि आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, वहाँ पे रोज शराब पीकर दारू गाड़ी लग जाती है रोड पे 50, वहाँ पे महिलाओं बच्चियों का निकलना दुभर हो गया है, जाम लग जाता है। वही बगल में मेरा कार्यालय है, उसी चौराहे पे एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई कराई जाए। ये किसी प्रकार फार्मर है, मोड़ पे पूरा अतिक्रमण करने की वजह से लोग घूमने वालों को दिखता नहीं है, कितनी बार गाड़ियां लड़ जाती हैं शाम को दिन में। बना दिया गया है, यहाँ पे कोई बात कही जाएगी उसका अनुपालन नहीं किया जाएगा। फाइल रेडी है आपके, हो सकता है आपके पास हो या उनके पास हो, फाइल कहाँ है भाई? हैदराबाद में कोई ऐसा संस्थान है क्या जो नगर विकास से संबंधित प्रशिक्षण देता है? मुंबई में भी है क्या? तय कर ले कि कहाँ पर क्या लोग जा चुके हैं, पिछले जो है वो जा चुके हैं लोग, दिल्ली का मैच वाला दोनों ये करा दीजिए, दोनों आज का ये इसमें एक चीज आप जोड़ लीजिएगा जिसकी पत्नियां पार्षद उनके पति ले जा सके। संख्या नगर आयुक्त महोदय, हम इस कार्यकारिणी को क्यों और किस लिए बुलाते हैं? पाएंगे तब बात कर लिए। नगर आयुक्त महोदय, सिर्फ हरमित करने वाली बातें हो रही है, सिर्फ तानाशाही चलाई जा रही है इस नगर निगम में।
हम लोग को बदले लेंगे, हम लोग को मोहित चक्कर बहुत सारा बना के काम नहीं करूँगा। नहीं, आपने कहा मुझसे क्या काम दिया है तो आपके खिलाफ उनसे तो जमा देंगे। अभिनंदन आज नगर निगम की 9वीं कार्यकारिणी की बैठक थी, इसमें हमारे सभी कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे, हमारे सभी अधिकारी उपस्थित थे। हम लोगों ने नगर निगम से संबंधित सारे विषयों पर वार्ता किया है, जैसे कि नगर निगम में निर्माण पर चर्चा हुई है, नालियों की सफाई पर, सड़क की सफाई पर, सभी विषयों पर आज चर्चा की गई है। विशेष रूप से कूड़ा निस्तारण पर चर्चा हुई है कि हम कूड़ा निस्तारण कैसे करेंगे, और जो भी अधूरी बड़ी योजनाएं हैं नगर निगम की जिसके टेंडर हो चुके हैं उसको जल्द से जल्द निर्माण कराने पर चर्चा की गई है, और आपके जल आपूर्ति पर भी चर्चा की गई है कि कैसे नागरिकों को जल आपूर्ति की जाए। और यह निर्णय हुआ है कि जो हमारे ट्यूबवेल कर्मचारी हैं समय पर हमारे स्विच को ऑन नहीं करते हैं जिसके कारण लोगों को समय से जल नहीं मिलता है, तो उसको ऑटोमेटिक उसको किया जाए जिससे कि समय उसमें निर्धारित हो जाएगा कब चलना है कब बंद करना है, तो हम जनता को अच्छी पेयजल समय से उपलब्ध करा पाएंगे। और एक चर्चा हुई है कि नगर निगम में जितने भी आरओ प्लांट लोग लगाए हैं जो पानी की सप्लाई करते हैं शहरों के अंदर, उनको नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके लिए 5,000 रुपया शुल्क तय किया है प्रतिवर्ष के हिसाब से, और साथ ही साथ उनको देना पड़ेगा प्रमाण पत्र कि जो हम पानी सप्लाई कर रहे हैं शहर में वो शुद्ध है कि नहीं है। साथ ही जो आरओ से पानी निकलता है उसका भी मैनेजमेंट करें कि वो पानी नालों में ना जा करके वो ज़मीन के अंदर जाए, इस तरह की भी इस पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। साथ ही पथ प्रकाश, दशहरा दिवाली पर जो शहर की सड़कें गड्ढा है जहाँ पर, तत्काल उसे गड्ढा मुक्त करने की बात हुई है कि किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। और जो मूर्ति विसर्जन होता है हम अधिकांश लोगों को प्रेरित करें कि वो मूर्तियों को कृत्रिम तालाब में प्रभावित करें, उसे अपना विसर्जन करें जिससे हमारा नदियों का जल प्रदूषण नहीं हो। इन सभी मुद्दों पर बात हुई है। साथ ही साथ जो पटरी पर दुकानें लगाते हैं, जब हमारा दुर्गा पूजा का जुलूस निकलता है तो उसके कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इस अवसर पर हम लोगों ने निर्णय किया है कि उनको पटरी से हटाकर बगल किनारे में लगाने के लिए हम प्रेरित करेंगे और लगवाएंगे भी। इस तरह की सारी बातों पर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, और जो हमारा पैसा फंड आया है सभी पार्षदों को 25-25 लाख रुपए का काम दिया गया है कि अपने क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर उसे कराएं, और उस पर जल्द ही टेंडर होगा और जनता को राहत मिलेगी।